सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्मेंस किया, हमें आज मार्केट के अंदर कैसा व्यू देखने को मिला और कल के दिए गए लेवल्स को एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और बात करेंगे कि यहाँ पे कल मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल के दिन। आपको बताऊंगा यहाँ पे कि क्यों कल अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज क्या हुआ, हमने कल यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट ये थोड़ा सा जो गैप है इसे यहाँ पे फिल कर सकता है अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहता है। तो देखिए आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग पे, यहाँ पे अगर मैं चलूँ 15 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 24th यहाँ पे जुलाई है, मार्केट ओपन होता है इसी लेवल के आसपास। यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है अच्छा खासा और एक हमें अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आता है और इस ट्रेड लाइन के बिलो ही देखिए रहता है, इस ट्रेड लाइन के अंदर नहीं जाता है। हमने बताया था कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर रहता है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे इस वाली गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट ट्रेड लाइन के बिलो यहाँ पे ओपन होती है, इसका मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट होगी इसके बिलो। तो देखिए मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और इसी रेंज के अंदर मूवमेंट करता है, फाइनली एक अच्छे खासे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ यहाँ पे क्या देखी कि एक यहाँ पे ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया अपसाइड से, एक टॉप से लेके एक बॉटम के लिए हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया कि हमने देखा कि मार्केट एक इसी लेवल के से हमें यहाँ से हमें इसी लेवल से रिजेक्शन दे रहा है और यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट, इस वाली ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट ना करके हमें वहाँ से एक पुट साइड के लिए मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि ये जो ट्रेड लाइन है ये फिलहाल काम कर रही है एक रेजिस्टेंस का, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी, ये वाला इसको मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कर रही थी और यहाँ से अब क्या हो रहा है इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मार्केट ये वाला ट्रेड लाइन क्या कर रही है, यहाँ ये वाला रेजिस्टेंस का काम कर रही है और मार्केट इस वाले जब भी इस लेवल के आसपास आता है वहाँ से हमें एक फॉल करता हुआ नजर आया। तो हमने पहले यहाँ पे ही प्रेडिक्शन कर ली थी करीबन 10 बजे के आसपास से, अगर बात करें तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया कि अब इसी तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ से हमने एक पुट साइड के लिए भी एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने एक ट्रेड लाइन और हमने देखा कि ओवरऑल जो मार्केट का आज का मूवमेंट था वो कैसा देखने को मिला। तो आप भी देख सकते हो कि ओवरऑल जो सपोर्ट था मार्केट का ये रहा सपोर्ट और ये रहा एक ट्रेड लाइन और ये वाली एक बिलो ट्रेड लाइन थी और ओवरऑल जो मूवमेंट देखने को मिली वो ऐसा आज देखने को मिला। मार्केट सपोर्ट लिया इस लेवल पे, अपसाइड के लिए गया था यहाँ पे फ्राइडे के दिन, फिर से देखिए यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था और यहाँ से एक अप ट्रेंड गया। उसके बाद देखिए आज का जो पूरा का पूरा व्यू था वो क्लियर हो गया था कि मार्केट ने फिलहाल इस रेंज के अंदर हमें मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं जाता तब तक आपको ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, तब तक आपको रिवर्सल पे ही ट्रेड लेके प्रॉफिट्स बनाने पड़ेंगे। ये देखिए आज जो ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिली यहीं से देखिए मार्केट ने इसे रिजेक्शन दे दिया था यहाँ पे पुट साइड के लिए, उसके बाद से ही प्रेडिक्शन यहाँ पे क्लियर हो गई थी कि आज का जो मूवमेंट होने वाला है वो इसी तरीके से होने वाला है और हमने यही यहाँ पे देखा। तो आज यहाँ पर मार्केट ने आज का अपना लो बनाया हुआ है यहाँ पे देखिए 45,858 का और अपना हाई 46,190 का, और ये कि बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अगर बात करें यहाँ पे हर बार यहाँ पे रिवर्सल पे ट्रेड्स जिन्होंने लिए अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बनाया था। आज देखिए जब मार्केट ने सपोर्ट लिया था अप ट्रेंड की तरफ गया तो रिवर्सल पर अच्छा खासा हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला और जब यहाँ मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट किया तो भी एक रिवर्सल पर अच्छा खासा देखिए अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला, फिर से रिवर्सल पर, फिर से रिवर्सल, फिर से रिवर्सल, यानी कि ओवरऑल जो मूवमेंट हो रहा है वो एक रिवर्सल पे चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं चलूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे रेंज के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट किस तरफ देखने को मिल सकता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि इस वाले पैटर्न के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, मोस्टली आपको जब भी मार्केट एक अपसाइड के लिए जाता है, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट नहीं करता तो वहाँ से एक डाउनफॉल करता है, एक इस तरीके का पैटर्न बनाता है। और अगर मार्केट इस वाले लो पे यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता यहाँ पे डाउनफॉल के लिए तो एक अच्छा खासा हमें मार्केट अपसाइड के हाई पे ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा पॉजिटिव यहाँ पे सीन क्रिएट करता है। तो देखिए अभी का व्यू जो मार्केट का सेम इसी तरीके से देखने को मिल रहा है, मार्केट लगातार हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करते हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ही जल्द आपको यहां से एक अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट अगर यहां पे पुट साइड के लिए ब्रेकआउट करना होता तो इस वाले लेवल के बाद इजीली यहां पे डाउनफॉल करते हुआ नजर आता है। लेकिन जब मार्केट ने रेजिस्टेंस और
और यहाँ पे सपोर्ट के बीच में मूवमेंट ने किया है, यानी कि मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पे, फिनिफ्टी की एक्सपायरी के दिन इसी लेवल के आसपास घूमेगा और लास्ट में अगर बात करें 2 बजे या फिर करीबन 11:30-12 बजे के आसपास एक अपसाइड के लिए मोमेंटम करता हुआ नज़र आ सकता है, और या फिर मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है जो कि मेरा सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 45,880 का, इसके बिलो आपको अच्छा खासा पुट साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, वेट करना है करीबन 12 बजे के आसपास, उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, यानी कि आपको वेट करना है क्या कल के दिन इस रेंज के बाहर अगर आपको वेट करना है, सेफ ट्रेड करना है तो वेट करिए इस लाइन के ऊपर, यानी कि मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 45,975 का, ये रेजिस्टेंस है मेरा और सपोर्ट है मेरा 45,880 का, इसके बिलो हम जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे पुट साइड के लिए और इसके ऊपर करेंगे हम लॉन्ग, यानी इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है 45,975 के लेवल को तो आपको इजीली यहाँ पे फर्स्ट लेवल मेरा देखने को मिल सकता है 46,160 का पहला लेवल और दूसरा लेवल 46,260 का, और यहाँ पे पुट साइड के लिए आपको इजीली यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है 45,700 का, ये लेवल देखने को मिलेगा पुट साइड के लिए, और इसे भी ब्रेकआउट करेगा तो आपको इजीली एक डाउनफॉल करता हुआ नजर आएगा, वहीं मेरा दूसरा लेवल 45,500 का लेवल इजीली आपको अचीव होते हुए दिखेगा, यानी कल तक दिन आपको क्या करना है, वेट करना है इस रेंज के अंदर मार्केट पर मूवमेंट करता रहेगा और एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा या फिर इस वाले सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 200 से 300 पॉइंट्स का, तो आपको उस 200 पॉइंट्स को कैप्चर करना है या फिर आपको इसके अंदर इस वाले ट्रेड्स के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप वेट करोगे तो आप बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, हो सकता है कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिल जाए, अगर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन इसी के अंदर मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा तो हो सकता है आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे मिड कैप के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी कल क्या करना है, वेट करना है अच्छे वाले टाइम्स का, उसके बाद अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट के अंदर। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।